स्वागत आपका। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और आपको बता दें, आज ही मेवालाल चौधरी ने पदभार भी संभाला था। मेवालाल चौधरी ने पहले काम संभाला और उसके बाद अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश कुमार जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। प्रकाश, क्या है पूरी जानकारी, अचानक इस्तीफा कैसे? देखिए, दरअसल ये बात शुरू से ही जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लिए किया था उसी दिन से ये बात चल रही थी कि आखिर मेवालाल चौधरी पर जो आरोप है, और एबीपी न्यूज ने इस आरोप के बारे में दिखाया था बहुत पहले ही, 2016 में ही हमने दिखाया था कि किस तरह से सबौर कृषि विश्वविद्यालय के जब वीसी थे तो उस वक्त में असिस्टेंट प्रोफेसर सम जूनियर साइंटिस्ट का की नियुक्ति में धांधली हुई थी, घोटाला हुआ था, और किस तरह से ये आरोप लगे थे। और उसके बाद एबीपी न्यूज की खबर के बाद ही आदेश हुआ था, इसकी जांच के आदेश हुए थे, एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें काफी दिनों तक मेवालाल चौधरी फरार रहे थे। उसके बाद उनको एंटीसिपेटरी बेल मिला, फिर जाकर के वो इस मुकदमे का सामना कर रहे थे। लेकिन इससे खास बात यह है कि जैसे ही वो मंत्रिमंडल में आए, मंत्रिमंडल में आने के बाद से ही ये सवाल उठने लगे थे कि जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया, और मंत्री ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग दे दिया गया था। तो शिक्षा विभाग देने के बाद से ही यह विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था और जोर शोर से इस पर सियासत गर्म थी कि कैसे मेवालाल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिर शिक्षा मंत्री बना दिया। आज उन्होंने पहले दो बार मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, कल भी मुलाकात हुई थी और आज भी मुलाकात हुई। आज मुलाकात के बाद वो बाहर निकले और तब तक राजभवन में लिफाफा पहुंच गया इनके इस्तीफे का, और इस्तीफा हो गया है। तो जाहिर है कि एक सियासत जो काफी देर से चल रही थी, भ्रष्टाचार के जो आरोपी थे उन पर आरोप लगे थे उसको लेकर के कि कैसे कोई बन सकता है। आदर्श, मैं आपको बता दूं कि ये वही वाकया है जो 2005 में भी हुआ था। 2005 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मंत्री बने थे और उन पर कुछ आरोप लगा था, उन पर चार्जशीट भी हुआ था उस वक्त में, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक जब उन्होंने शपथ ली थी उसके चार घंटे के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। और ये भी हुआ है कि 2020 में ऐसा ही फिर से हुआ है, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। आदर्श, जेडीयू की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है प्रकाश? क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है और जिस तरह से विपक्ष भी निशाना साध रहा है, पहले से ही विवादों में थे उसके बाद ये पद दे दिया गया। मैं इस वक्त मेवालाल चौधरी के घर पर ही हूँ, करीब 20 मिनट हो गए मुझे आए हुए। प्रकाश, आप रहे हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी साहब जुड़ गए हमारे साथ, आरजेडी नेता। मृत्युंजय तिवारी साहब, मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखें इसको? आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, जिस दिन एनडीए सरकार की बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शपथ लिया था, उस दिन मेवालाल चौधरी जी को जिस तरह से इन्होंने मंत्री बनाया था बिहार में, कई सवाल खड़े हो रहे थे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने सवाल पूछा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं करप्शन की, नहीं कंप्रोमाइज करेंगे ट्रिपल सी की, और सबसे उन्होंने कंप्रोमाइज करके इनको मंत्री बना दिया, और ऐसा मंत्री बना दिया शिक्षा विभाग जैसे महकमे को इनके जिम्मे दे दिया था। लेकिन चारों ओर से जब किरकिरी होने लगी, जब फट पिट गई सरकार की, मैं आपको बता दूं मृत्युंजय तिवारी साहब, हमारे साथ प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी, जिन्होंने 6 साल पहले ये खबर 6 साल पहले ब्रेक की थी और एबीपी न्यूज लगातार इसको उठाता रहा, सवाल करता रहा, और एबीपी न्यूज की खबर का ही असर है। जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस खबर को तरजीह दी और इसको लगातार आपने उठाया। प्रकाश जी, लगातार इस बात को जिस समय ये मामले सामने आए थे उस समय भी इन्होंने जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया था, मेवालाल चौधरी जी पर आखिर क्यों मेहरबान हुई नीतीश सरकार, ये तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।